ज्यादा आंच होगी तो चावल भी जल्दी बनेंगे ना? नहीं साईं, जरूरत से ज्यादा आंच हुई तो चावल जल सकते हैं। यही आपके सवाल का जवाब है बायज़ा माँ। मैं कुछ समझी नहीं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो रे। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। बायज़ा माँ, हर एक चीज को मुकम्मल होने का एक सही वक्त होता है, एक समय सीमा होती है। भले ही माली पेड़ को लाख सींचे, लेकिन समय आने पर ही उस पर फल लगते हैं। ज्यादा प्रयास करने से जल्दी सफलता नहीं मिलती, और यही बात लक्ष्मी को भी सीखनी होगी, लेकिन अपने अनुभवों से। आखिर हम गिरते इसीलिए ही तो हैं ताकि संभलना सीख सके। लक्ष्मी उठना चाहती है, इसके लिए उसे गिरना और फिर से उठना सीखना होगा। उसे समस्याओं का सामना करना सीखना होगा ताकि वो अपने बूते पर आत्मनिर्भर बन सके। भगवान मुझे मौत दे दे। पापा को मैं इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता। अब तो बस एक ही उपाय है, एक ही उम्मीद है। साईं वही मदद कर सकते हैं। पर अब्बा तो साईं के पास जाएंगे ही नहीं। साईं अगर मदद करना चाहें तो इंसान के पता लगा बिना भी उसकी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे अब्बा को इस समय जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसकी पूर्ति साईं से ही संभव है। साईं की शरण में जाओ, साईं चमत्कार करेंगे तो सब कुछ मुमकिन है। साईं से मैं प्रार्थना करूंगा, उन्हें सच्चे दिल से पुकारूंगा, उसी तरह उन्हें पुकारूंगा जो तरीका मुझे आता है, जो तरीका उन्होंने मुझे बताया था। साईं, आपने कहा था कि संगीत में बहुत शक्ति है। आज मुझे भी ये शक्ति देखनी है। मैं तब तक ये सितार बजाता रहूंगा जब तक आप मेरे अब्बा के लिए कोई चमत्कार नहीं कर देते। मुझे माफ कर दो। पहले तो तुम्हें बचा नहीं पाया और अब अपने बेटे स्वामी के देखभाल के लिए मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐसे मत कहिए। देखिए अब धीरज नहीं छोड़ सकते, आपको ठीक होना होगा, हर हाल में आपको ठीक होना होगा। स्वामी के लिए वो अकेला नहीं रह पाएगा, वो बहुत ही संवेदनशील है, उसे आपकी जरूरत है। मेरे जाने के बाद उसकी प्रतिभा को आपको ही पोषित करना है। मैंने स्वामी की आंखों से सपना देखा है, उसे आपको पूरा करना है। धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ये दर्द ही तो ठीक नहीं होता, मेरे बर्दाश्त से बाहर है ये। तन का दर्द तो सह लूं, लेकिन मन का दर्द उसके साथ जी नहीं सकता मैं। इस लांछन के साथ नहीं जी सकता कि मैं अपने पत्नी को बचा नहीं। शरीर का दर्द तो मुझसे ठीक नहीं हो रहा है और अब मेरे छवि पर दाग लगा दिया गया है। इस दाग को मैं मिटा नहीं सकता, इससे तो मौत अच्छी है। आप मौत के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार है, अपने बेटे को अकेला छोड़ने के लिए तैयार है, तो एक बार साई को आजमाने के लिए भी मान जाइए ना। एक मौका देकर देखिए अपने आप को, एक बार उनके पास चले जाइए। अपने बेटे को छोड़ने से तो ये ज्यादा बेहतर विकल्प है आपके पास। आपको मेरी कसम, मना मत कीजिए। के कमरे से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? अप्पा, मेरी बात मान लीजिए, साईं के पास चलिए। आपकी जिद छोड़ दीजिए प्लीज। हम जानते हैं आपको साईं के पास जाना मंजूर नहीं, पर हम आपको तड़पते हुए साल में नहीं देख सकते। हमारे साईं की एक सीख है, एक इंसान अगर किसी को दर्द में तड़पते हुए देखे तो उसे उसकी तकलीफ दूर करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए, और वही हम करेंगे। पिल्ले जी, जब राम जी हैं तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? वो सब ठीक कर देंगे। साईं, दादा ऐसे नहीं है। मैं आपको नहीं मानता, लेकिन लोग कहते हैं कि आप में देवी शक्ति है। वाकई में ऐसा है, और आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो बस इतना कीजिए कि मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दीजिए। मुझे मृत्यु दे दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? दर्द के अंत के लिए जीवन का अंत जरूरी नहीं है पिल्ले जी। मैंने पहले ही कहा है कि आप हम सभी के लिए नायाब हैं। आपको कुछ नहीं होने देंगे हम। साईं, सारी दवाइयां बेअसर हो चुकी है। जख्म ठीक होने का कोई लक्षण नहीं है। पिल्ले जी, अगर बीमारी की जड़ पर वार नहीं करोगे तो वो खत्म कैसे होगी? मैं समझा नहीं साईं। मैं आपकी तरह डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि नारू दूषित पानी के सेवन की वजह से होता है। अगर आप उस वक्त से गर्म और शुद्ध पानी का सेवन करना शुरू कर देते तो नौबत यहां तक पहुंचती ही नहीं। साईं, अगर आपको पता था तो आपने डॉक्टर साहब को आगाह क्यों नहीं किया? मेरे कहने पर ये एक लोटा गर्म पानी पीने को भी तैयार नहीं थे। गर्म पानी जिसे पीने से इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, फिर ये बीमारी के बारे में मेरी सलाह कैसे मानते हैं? साईं, आपकी बात न मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन प्रायश्चित करने का वक्त नहीं है। मुझे मुक्ति दे दीजिए साईं। नहीं अब्बा, पिल्ले जी, मालिक के घर देर नहीं होती। आप हौसला रखिए। कुछ ही पल में एक कौवा आएगा और आपके पैर पे चोंच मार के चला जाएगा। दर्द होगा, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। कौवा? पिल्ले जी को उस खंबे से टिका कर बैठा दो। जब तक कौवा नहीं आता, हमें पिल्ले जी की हिम्मत बढ़ाने के लिए भजन कीर्तन करना चाहिए। राम जी से मदद की प्रार्थना करनी चाहिए। आपने सही कहा साईं। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था इतना बड़ा काम हम कर सकते हैं। काकी, काम देने वाला भी साई और काम को पूरा करने का जरिया दिखाने वाला भी साई। अगर आप इस दर्द से छुटकारा चाहते हैं, निजात चाहते हैं, तो आपको वो करना होगा जिसे करने से आपने खुद को एक अरसे से रोक रखा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.